हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं नोचिंग ऑपरेशन क्या होता है, जो कि एक ट्रिमिंग ऑपरेशन का ही पार्ट होता है। लेकिन ये अलग होता है, क्यों? क्योंकि इसमें नोचिंग होती है। बहुत से पार्ट में क्या होता है, ट्रिमिंग हो जाता है, पियर्सिंग होता है, बट ये नोचिंग ऑपरेशन इसलिए अलग होता है क्योंकि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है नोचिंग ऑपरेशन होता क्यों है और ये यूज़ कैसे होता है, कहाँ पर यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि नोचिंग ऑपरेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है और क्यों नोचिंग ऑपरेशन यूज़ किया जाता है, ट्रिमिंग ऑपरेशन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन का जो आंसर है हमको आपको इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इससे पहले फ्रेंड्स, हम आपको दिखाएंगे एक छोटा सा वीडियो क्लिप जिसमें हम आपको दिखाएंगे नोचिंग ऑपरेशन कैसे होता है, क्यों होता है, क्या क्या प्रॉब्लम आता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं छोटा सा वीडियो क्लिप। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले वो नोचिंग वाला हम पार्ट लेंगे जिसमें नोचिंग होगा। तो मेरे हाथ में वो नोचिंग वाला पार्ट है, मैं आपको अच्छे से पहले पार्ट दिखा देता हूँ कि नोचिंग कहाँ से होगा, कैसे होगा। तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि गड्डी लगा कर रखा है वो भी देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो डाई है, नोचिंग वाली डाई है, उसमें लगाते हैं जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि नोचिंग कहाँ पर हो रहा है और किस इस पे हो रहा है। वैसे फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि जो नोचिंग ऑपरेशन होता है किसी एक साइड पे होगा, या तो आगे साइड होगा, पीछे होगा, अगल बगल, मतलब जो भी नोचिंग का एज होगा ये एक साइड रहेगा, या तो ऐसा कोई सेंटर में नहीं रहेगा, उसको नोचिंग नहीं बोलते हैं, उसको होल बोलेंगे। बगल से रहेगा तो आपको वो ट्रिमिंग हो जाएगा, बट नोचिंग वो पॉइंट होता है जहाँ पे ऐसे साइड से होगा, उसको हम नोचिंग एज बोलते हैं, वो नोचिंग कटिंग होता है। तो यहाँ पे हम आपको पहले दिखाएंगे कि जो कट रहा है, यहाँ पे चार पांच पार्ट मैंने आपको दिखा दिया। अभी आपको पास में लेके चलते हैं, यहाँ पे दिखाएंगे कि जो नोचिंग का एज है कैसे कटता है। यहाँ पे देखो, मैं पार्ट निकालता हूँ, आपको दिखाऊंगा, एज दिखाऊंगा जहाँ पे कटा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे होल होता है, इसको छोड़ ही दो, होल से कुछ नहीं लेना है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो को आप यहाँ पे नोचिंग हो गया है। वैसे एक पार्ट में और आपको लेके दिखाता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ एक पार्ट, यहाँ पे इसको रख देता हूँ एक पार्ट, और जो नहीं हुआ है उसको दिखा, दोनों आपस में कंपेयर करता हूँ कहाँ पे नोचिंग हुआ, कैसे नहीं हुआ, आपको पता चलेगा कि नोचिंग ऑपरेशन कैसे होता, क्या इसमें अब पार्ट से पहले और पार्ट के बाद जो नोचिंग हुआ क्या इसमें दिख रहा है। तो यहाँ पे ये कट गया, तो आपको एक स्क्रैप भी ले, दोनों यहाँ पे लेते हैं और एक स्क्रैप अभी लोग लेके आपको देखो, यहाँ पे एक स्क्रैप उठाते हैं ये, यहाँ पे देख लो डाई बटन पहले दिखा दे रहे, डाई बटन ये है, उसके ऊपर पंच लगा, आपको पता ही है डाई बटन लगा तो पंच, ये देखो कैम का जो नोचिंग करता है वो है, ये रहा है यहाँ पे नोचिंग का एज है, जहाँ पे नोचिंग करता है वो एज है, यहाँ पे ट्रिमिंग होता है, इसको आप ट्रिमिंग देखो, ये जो नोचिंग हुआ है स्क्रैप जो रिमूव हुआ है वो है। तो उसके बाद है यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे जो ये क्या बोलते हैं इसको, आपका जो कैम कटिंग एज है और ये लोअर कटिंग एज है आपका, यहाँ पे जो ये चलता है ड्राइवर को सपोर्ट करता है, ये कैम ड्राइवर है, कैम पूरा यूनिट है, पूरी कैम की यूनिट है। उसके बाद स्प्रिंग वगैरह लगा हुआ ताकि आपका पार्ट जो होल्ड करके रखे जिसमें कोई प्रॉब्लम बाद में ना हो। तो फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पे हम आप फाइनली लेके आते हैं, आपको पूरा दिखा दिया, फाइनली आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि नोचिंग का जो ऑपरेशन हुआ है और नोचिंग के पहले का भी आपको एक दिखाते हैं, फाइनल करके दिखाएंगे ताकि आपको एक क्लियर हो जाए कि नोचिंग ऑपरेशन में क्या होता है, कैसे मतलब ट्रिमिंग ऑपरेशन है, ये नोचिंग का नाम क्यों दिया हुआ, सब आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, अंदर से दिखाते हैं, ये आज देखिए आपको यहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा कि नोचिंग वाला ऑपरेशन कैसे होता है और कब होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो ये पार्ट में आपको लगा के यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे लगाएंगे ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लगा दिया एक पार्ट, स्ट्रोक मारता हूँ तो यहाँ पे मैं कैमरा लेके पीछे हो जाता हूँ, यहाँ पे स्ट्रोक मारते हैं, देखिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा, एक स्ट्रोक मारेंगे तो नोचिंग वाला ऑपरेशन सेम है ट्रिमिंग वाला ऑपरेशन होता है, इस पर आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो नोचिंग ऑपरेशन जो होता है वो ट्रिमिंग का ही ऑपरेशन होता है, आपको अच्छे से केयर करके चलाना होता है क्योंकि ये कैम से होता है नोचिंग, कहीं ऊपर पंच से होता है। तो इसी प्रकार के वीडियो इस चैनल पे अपलोड किए जाते हैं, आपको देखना है और आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप हमें कांटेक्ट करिए, मैं आपका पूरा हेल्प करूँगा। तो यहाँ पे देखिए नोचिंग वाला ऑपरेशन, आपको कोई प्रॉब्लम हो आप हमेशा कनेक्ट रहेंगे आपको, तो आपको कुछ ना कुछ हेल्प होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, वॉच ऑन वीडियो।
तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको समझ में आया हो कि नोचिंग ऑपरेशन क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, तो आपको अगर अच्छे से न समझ में जिस पॉइंट पे आपको न समझ में आया हो तो उस पॉइंट पे आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो हम आपको पूरा हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इस चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो कि टूल एंड डाइस रिलेटेड होते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।